हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक कहानी में हमने देखा है अनिरुद्ध काका से कहता है काका बारात निकालिए, फिर अपने सनग्लास पहन के बोंदिता से मिलने जाता है। बोंदिता से मिलने के बाद वो बोंदिता से अपनी दिल के बात कहते हैं, पर बोंदिता उसे रोक देता है और वहीं पे चंद्रचूर आ जाती है। चंद्रचूर आके अनिरुद्ध पे गोली कर देती है, पर किसी वजह से चंद्रचूर की निशाना चूक जाती है और अनिरुद्ध इस टाइम के लिए बच जाती है। पर अनिरुद्ध और बोंदिता बहुत ही घबरा जाती है उस टाइम। अपकमिंग एपिसोड में आप लोग फिर से चंद्रचूर को अनिरुद्ध के ऊपर हमला करते हुए देखेंगे, पर इस बार अनिरुद्ध कुछ नहीं करेगा क्योंकि अनिरुद्ध ने बोंदिता के सामने कहा था, मैं अपनी और तुम्हारी रिश्ते की शुरुआत इस दुश्मनी को ख़त्म करके कर रही हूँ, जिसकी वजह से वो अपनी गन भी फेंक देता है। और इसी वजह से चंद्रचूर जितने बार उस पर हमला करेगा, वापसी में अनिरुद्ध उसमें कुछ नहीं कहेगा। पर इस आशिक बाबू इस वजह से क्या मुसीबत में फंस जाएगा? क्या चंद्रचूर अनिरुद्ध को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा? ये जानने के लिए देखते रहिए बैरिस्टर बाबू, और ऐसे अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।